अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारून हटक। दोस्तों, इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर पे दूसरे के कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे। मिसाल के तौर अगर कोई किसी इदारे में काम कर रहे हो और उधर पे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ हो रहे हो तो उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद तरीका कार बाद में हारून हटक .blogspot.com पे जाएंगे। सबसे पहले इनसाइड टीचर पर मॉनिटर द अदर कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास मीडिया फायर का एक लिंक ओपन हुआ है, इसी को हम डाउनलोड करेंगे। 7.14 MB इसका साइज़ है। इसको डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन मांगेगा। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, इनसाइड स्टूडेंट इनसाइड टीचर, जो मेन कंप्यूटर है उसी पर आपने इनसाइड टीचर पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर देना है। इनसाइड टीचर पे क्लिक करके चैनल क्रिएट करना है, 9, जिस तरह मैंने 9 चैनल उसका नाम दिया हुआ है, आपने जो भी नाम देना है। तो स्टूडेंट को भी आपने उसी चैनल का नाम देना है तो आपका वो कनेक्ट करेगा। क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर पे पहले से इंस्टॉल है, 9 चैनल नाम दिया हुआ है, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं कैंसिल करता हूँ और एक दूसरे कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मेरे पास दूसरा कंप्यूटर ओपन है, तो इसी कंप्यूटर पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, इनसाइड स्टूडेंट पे, क्योंकि वो दूसरा कंप्यूटर हमारा टीचर यूज़ हो रहा है और इधर स्टूडेंट को बनाना है। चैनल टीचर चैनल आ रहा है 1, तो हमने इसको 9 करना है क्योंकि हमारा टीचर चैनल 9 है। नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल करके फिनिश। तो ये हमारे पास इधर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास मेन कंप्यूटर पे जो टीचर का कंप्यूटर है उधर आ गए हैं या नहीं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर किस नाम से था। स्कूल हारून MMR के नाम से वो सिस्टम आ रहे हैं। इस तरह इसको एंटर करते हैं और उसी में जाके हम काम भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि यूज़र क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा। और इसको हम इधर से बंद, शट डाउन, रिस्टार्ट, ब्लैंक स्क्रीन, जो भी यानी हम इसके साथ करना चाहे कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक्सेस हो चुका है। जो भी हमने इस पर काम करना है या जो यूज़र उस पर काम कर रहा हो तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन एक काम याद रखिएगा कि IP स्कीम जो होता है वो एक ही होना चाहिए। IP एड्रेस सेम एड्रेस हो, स्कीम एक ही यूज़ हो रहा हो तो वो आपके पास एक्सेस होगा, वरना नहीं नहीं होगा। जिस तरह एक वाईफाई पे होगा और एक आपका IP स्कीम पे होगा तो वो आपको एक्सेस नहीं करेगा। नेटवर्क केबल लगा के एक सिस्टम में नेटवर्क केबल लगा हुआ IP स्कीम दिया होगा तो, और दूसरे सिस्टम में नेटवर्क केबल लगा होगा और IP स्कीम दिया होगा तो वो एक्सेस होगा, वरना वो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने क्या बात।